बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के बारे में हमने गुफ्तगू करते हुए पार्ट टू के लिए मरहबा रमज़ान में आज अर्ज करना है कि रफा यदैन अहम मसला। नमाज में रफा यदैन क्या है, वो कौन से मकाम हैं जिनके अंदर रफा यदैन नमाज करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मुफस्सर बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो कुरान मजीद की तफसीर में फरमाते हैं, कद अफ़लहल मोमिनूना अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। खाशियून की तफसीर में वो इरशाद फरमा दे, कद अफ़लहल मोमिनून, वो मोमन कामयाब हो गए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज को खुशू करने वाले। खुशू करने वाले कौन हैं? हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने बयान फरमाते हैं, खुशू करने वाले जो आजजी से खड़े हो जाएं, दाएं बाएं ना देखें, अपनी निगाहें दाएं बाएं ना फेरें, अंदाज ऐसा हो सीधा किबला रुख हो, और वला यरफऊना अयदीहिम फी सलात, और नमाज में हाथ ना उठाएं, रफा यदैन ना करें। इन लोगों की नमाज की अल्लाह ताला तारीफ़ कर रहा है, यानी बार बार रफा यदैन ना किया जाए, ऐसा तरीका ना अपनाया जाए जिसको देखकर पता चले ये मजाक कर रहे हैं, नमाज अदा नहीं कर रहे। इस सिलसिला में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि सहाबी जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत का फ़र्द करार दिया, वो बयान फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का इलम वो ख़जाना था, वो भरा हुआ ख़जाना था कि जिसमें किसी चीज़ की कमी मौजूद नहीं थी। आप बयान फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं, रवायत करते हैं कि हज़रत अलकमा फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को इन अल्फाज में बयान किया। आप फरमाते हैं, क्या तुम्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज ना पढ़ाऊँ जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे? क्या इस तरीके से तुम्हें ना नमाज पढ़ाऊँ? ताबीन के इज्तमा में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीम देना चाहते थे कि रसूलुल्लाह किस तरह नमाज अदा करते थे। आपने फरमाया, फ़लम यरफ़ऊ यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा, तो आप रज़ा पूरी नमाज में सिर्फ तकबीर तारीमा के वक्त रफ़ा यदैन करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रफ़ा यदैन करते, उसके बाद इस अंदाज में नमाज अदा की जाती कि पता चलता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खम्बा की मानद, यानी बिल्कुल खड़े हैं, उसमें कोई खम नहीं, वो हिलता नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू फरमाते, तो फिर रुकू के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बाना लकल हम्द कहते, तो इस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाते। नमाज का मकसद ये होता है कि जब अल्लाह के दरबार में बंदा हाजिर हो, दुनिया के सारे जमेलों से हट जाए, सिर्फ उस वक्त उसका रब और वो रह जाए, यानी वो रब से बातें करे, वो रब से जो गुफ्तगू होती है उसमें देखे ना, नमाज पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अर्रहमान रहीम, बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला, मालिक यौमिद्दीन, मालिक का योम जज़ा का, इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, चला हमको सीधे रास्ते पर, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया। बड़ी अजीब कैफियत है कि नमाज के अंदर अल्लाह ये तालीम दे रहा है कि जब तुम नमाज में जाओ तो ये दुआ करो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, चला सीधे रास्ते पर, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़दूब अलैहिम, और न उनके पर जिन पर तेरा गज़ब हुआ, वाला दौलीन, और ना गुमराहों के रास्ते पे चलाना। जब बंदा दुआ करता है, इस
सूरह फातिहा का नाम दुआ ही रख दिया गया कि अगर कोई बंदा दुआ करता है तो वो जो हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के बाद गैरिल मग़दूबि अलैहिम, जिन पर तेरा गज़ब हुआ नहीं, जिन पर इनाम याफ्ता कौन थे? नबीयीन, सिद्दीकीन, शहादा, सालिहीन। तो शहादा, सालिहीन, नबीयीन, सिद्दीकीन की नमाज होती कैसे थी? मौलाए कायनात बाबुल इल्म हैदर करार असदुल्लाहिल गालिब इमाम अल मशारिक वल मगारिब, जिन्होंने अपने बचपन से लेकर जिन्होंने जवानी तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में परवरिश पाई, कि मौलाए कायनात अव्वल दिन से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आँख खोली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाबेदान अपने मुँह में लिया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी गोद में परवरिश पाई, वो मौलाए कायनात एक जंग में जाते हैं और जंग में जाते हुए जब वो एक नेज़े की टूट जाता है आपके पाँव के अंदर, तो वो निकालने नहीं देते, जरा तंग आ जाते हैं कि हम करें तो करें क्या। रसूलुल्लाह से पूछा जाता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली के पाँव में नेज़ा टूट गया है, क्या किया जाए? और हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब अली नमाज पढ़ने लगे ना, जब अल्लाह के दरबार में खड़ा हो जाए ना, जब अल्लाह के दरबार में वो हाथ बांध लेना, जब वो रफा या देन करने के बाद अल्लाहु अकबर कह लेना, उस वक्त तुम उसके पाँव से नेज़ा निकाल लेना, अली को कोई तकलीफ भी नहीं होगी और अली महसूस भी नहीं करेंगे। फिर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने पलाश से आपके पाँव से वो नेज़े का टुकड़ा खींच के निकाल लिया। मौलाए कायनात अली नमाज पढ़ते रहे, नमाज से जब फारग हुए तो आपने देखा कि मस्जिद में खून बिखरा हुआ है, पूछा ये क्या हुआ? सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने कहा कि आपके पाँव में नेज़े का टुकड़ा टूटा हुआ था, हमने उसको निकाला तो इसकी वजह से यह खून निकला। मौलाए कायनात ने उस वक्त इरशाद फरमाया, बा खुदा मैं नमाज पढ़ रहा था, मुझे खबर तक नहीं हुई कि मेरे पाँव से तुमने ये नेज़े का टुकड़ा निकाल लिया। ये नमाज थी उन लोगों की कि जिनके बारे में हम दुआ करते हैं, मिन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाही व सालिहीन काना इज़ा इफ्ताह सलात, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का इफ्तिताह आगाज़ करते, रफा यदई इला करीब मिन उज़नई ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू के करीब तक अपने हाथ उठाते, सुम्मा ला याऊदू, इसके बाद किसी मकाम पर नमाज में रफा यदैन नहीं करते थे, ना रकू की तरफ जाते थे वक्त, ना रकू से हाथ उठकर हाथ उठाते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा अरसा इस अंदाज में नमाज अदा फरमाई और आका दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत जाबिर बिन समरा बयान फरमाते हैं कि खराज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नमाज पढ़ रहे थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया, माली अराकुम रफ़ई आईदियकुम, मुझे क्या तुम्हें रफ़ा यदैन करते देख रहा हूँ? कान्ना कान्ना अजनाबु हैलन शम्स, तुम्हारे नमाज में उठे हुए हाथों से ऐसे महसूस हो रहा है जैसे शरीर घोड़े की दुम्में होती हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रफ़ा यदैन करो, मगर एक मरतबा करने के बाद नमाज इस अंदाज में अदा करो कि सिर्फ तुम्हारा रब से ताल्लुक रह जाए। हदीस में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते रहे, आमने सलाम फेरते वक्त रफ़ा यदैन किया तो आका ने रफ़ा यदैन से मना फरमाया, लेकिन यहाँ पर यह कि हम नमाज पढ़ रहे थे, आका तशरीफ़ ले आए, आपने हमें रफ़ा यदैन करते हुए देख लिया, रसूल अल्लाह ने रफ़ा यदैन से मना किया। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज तरबियत है कि वह अपने सहाबा को जिस लफ्ज़ से यानी जिस लफ्ज़ से झिड़की देना चाहते हैं आप इस तरह बोल सकते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि तुम्हारे हाथ घोड़े की दुम्मू की तरह नज़र आते हैं, और फिर किरात यानी की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज अदा फरमाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें जिस अंदाज में किराहत करते, दुनिया के अंदर जितने भी मकतबाए फिक्र के लोग मौजूद हैं वो सारे के सारे सुबहानक अल्लाह से ही नमाज शुरू करते हैं, सना पढ़ते हैं, सूरत फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद यानी उसी अंदाज में सूरत पढ़ी जाती है, फिर रुकू किया जाता है, सजदा किया जाता है, क़याम किया जाता है। नमाज अस्सलात व मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमन की मेराज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज में हमें समझाया कि नमाज इस अंदाज में अदा करो, तो फिर वो नमाज उसी अंदाज में अदा करनी चाहिए। और आज
हम नमाज की तरफ गौर नहीं करते। जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो आपने बेशुमार दफ़ा देखा होगा, आपने बेशुमार दफ़ा सुना भी होगा, आपने बेशुमार दफ़ा तजर्बात में आया होगा कि फ़ोन की घंटी बजती है, हम नमाज में उसको उठाकर वो उसको फ़ोन को नंबर देखकर और उसको बंद करने के बाद हम अपने जेब में डाल लेते हैं और हमें ये तसव्वुर होता है कि हम नमाज अदा कर रहे हैं। ये ऐसा वक्त है कि जिस वक्त के अंदर इस्लाह की ज़रूरत है, ताजदार अरब अजम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब नमाज अदा फरमाते तो आपके नमाज अदा करने का यह तरीका होता कि आपके इर्द गिर्द किसी को होश नहीं होता था, यानी यहाँ तक के परिंदे आकर सहाबा कराम रिदवानल्लाह अजमईन के ऊपर बैठ जाते तो आपने कभी भी हाथ नहीं हिलाते थे और फिर ना आपका जिस्म हिलता था ना आपका सार हिलता था। और आज जिस अंदाज में हम नमाज से मजाक करते हैं, अल्लाह के दरबार में पहले तो कोई आता ही नहीं, अगर किसी को रब तौफीक अता फरमाए, अगर किसी को आना नसीब हो जाए तो फिर न वो आकर क्या करता है, वो आपके सामने सारी सूरत हाल है। वो गौसे आज़म महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप वक्त के इतने बड़े आलिम, वक्त के इतने बड़े मुफस्सर, वक्त के इतने बड़े मुहक्क़िक़, वक्त के इतने बड़े शेख तरीकत और सिलसिला कादिया के पेशवा गौसे आज़म ग्यारहवीं वाली सरकार के बारे में रवायात के अंदर आता है कि आप जब नमाज में खड़े होते इस अंदाज में खड़े होते कि आपके जिस्म से लोग कपड़े उतार लेते मगर आपको नमाज के में पता नहीं चलता था, आप इस अंदाज में नमाज अदा करते। आपका इलम का ये आलम था कि एक मरतबा किसी ने आपसे सवाल किया, यानी शैतान आया, शैतान ने कहा कि ये तो बताएं आज अल्लाह ताला ने आपको नमाज माफ़ कर दी है और आप आज नमाज अदा ना करें। आपने इरशाद फरमाया, मैं आप थोड़ी देर सोचते रहे, सोचने के बाद आपने सोचा कि अल्लाह के महबूब मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हमारे लिए मशअल राह है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा मैं नमाज ना अदा करूँ। आप फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आपने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल्ला लज़ीम पढ़ा और जब पढ़ा तो शैतान भाग गया और जाते जाते कहने लगा तुम्हारा इलम तुम्हें बचा गया, नहीं अल्लाह के ने बचाया। रब जिसको कर्म करता है, रब जिस पे राजी हो जाता है, रब जिस पे अपनी अनायात करता है उसको तौफीक अता फरमाता है। वो नमाज की तरफ जाता है उसको तौफीक अता फरमाता है, वो रोज़े की तरफ जाता है उसको तौफीक अता फरमाता है, वो हज की तरफ जाता है उसको तौफीक अता फरमाता है, सदकात की तरफ जाता है उसको तौफीक अता फरमाता है, खैरात की तरफ जाता है। जिस पर अल्लाह राजी ना हो तो उसको अल्लाह ये तौफीक कभी भी नहीं अता फरमाता कि वह नमाज अदा करे, वह रोज़ा अदा करे। और आपने देखा होगा कि बेशुमार दफ़ा लोग मस्जिद में मौजूद होते हैं, नमाज की अल्लाह तौफीक उनको अता नहीं फरमाता। आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल से गौसे आज़म, आपने एक लफ्ज़ फरमाया था, आपने फरमाया था दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबन, कि मैं इलम पढ़ता पढ़ता कुतुब बन गया। यानी इलम ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, इलम का जानना ज़रूरी नहीं होना चाहिए बल्कि हो ये कि दीन पढ़ा जाए, दीन सीखा जाए। और दीन ही एक है कि जो दुनिया में भी इंसान के लिए बायस रहमत है और कब्र में जाने के बाद भी बायस रहमत है। और सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये एहसान अजीम है कि आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा किया। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज के लिए खड़े होते हैं और फिर आपके पांव सूज जाते हैं। रब्बे कायनात हुक्म अरशाद फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब, रात को यानी थोड़ा हिस्सा काली कमली ओढ़ने वाले रात का थोड़ा हिस्सा आराम किया कर, थोड़ा हिस्सा नमाज अदा किया कर। आयशा सदीक़ा अगर रसूल के पास आती हैं कहती हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो मासूम हैं, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आयशा मैं खुदा का शुक्र गुजार बंदा ना बनूँ, आयशा ना बनूं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी कि हमेशा नमाज कायम रखो, कलमे के बाद नमाज फ़र्ज होती है और हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज है। ये नहीं कि कोई बीमार हो, ये नहीं कि कोई यानी सफ़र में हो, ये नहीं, जहाँ भी जाए नमाज हर हाल में फ़र्ज है और इसको अदा करना चाहिए। रसूल अकरम
शफी माजम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा। इसमें एक बात यह है कि सल्लू मज़क्कर का सीगा है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों से ये फरमा रहे हैं, बराए रास्त ये खिताब यानी अमर मर्दों से था कि औरतों से आप ससम का यह खिताब था। लफ्सों के तकाजे के लिहाज से हुक्म मर्दों के लिए है। और फिर जो मामलात बयान फरमाए, फरमाया कि रब की इबादत इस अंदाज में करो जैसे रब को तुम देख रहे हो, अगर ये नहीं तो रब तुम्हें देख रहा है। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें पांच वक्त का नमाजी बनाए। रमज़ान शरीफ है, रमज़ान मुअज़्ज़म है, रमज़ान बरकतों वाला महीना है। इसमें एक नमाज अदा की जाए, एक यानी नफल अदा किया जाए, एक फ़र्ज़ का सवाब मिलता है। एक फ़र्ज़ अदा किया जाए 70 फ़राइज़ का सवाब मिलता है। तो साहिबो सामीन नाज़रीन मोहतरम, एक बात जहन में रख लें कि अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए इस माह सियाम में ज़्यादा नमाजें अदा करें, ज़्यादा सदक़ात दें, ज़्यादा खैरात दें, अपने क़ुर्ब व जवार में जो गरीब लोग हैं जिनके पास अफ्तारी के लिए कुछ नहीं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, जिनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं, जिनके यतीम बेसहारा बच्चे हैं, जो आप कोशिश करें कि उनकी जितनी हो सके उनकी खिदमत करें, क्योंकि यही ज़िंदगी है। और फिर जियो तो इस तरह जियो हर कोई तुम्हारा एहतराम करे, मरो तो इस तरह मरो कि दुश्मन भी तुम्हें सलाम करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।